मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स हाउ डज द ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टर। द सर्टन साइंटिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस गोइंग टू डिवाइड द प्लांट्स और एनिमल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। बेसिकली द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट किंगडम का बेसिक क्लासिफिकेशन मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस। एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, ओके। ये जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जहां पे उन्होंने उसके सबसे बेसिक कैरेक्टर्स को देखते हुए, सबसे किसको, बेसिक कैरेक्टर्स के हिसाब से जो है कि इन्हें क्लासिफाई किया था। फिर सेकंड आ जाते हैं मॉडर्न सिस्टम में। मॉडर्न सिस्टम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया, अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वॉज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। इसे किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स को फॉलो किया। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनके फिजिकल कैरेक्टर्स को दिया, जो कि इसके सबसे बेसिक कैरेक्टर थे। ठीक है, जस्ट लाइक द हैबिट, कलर, नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स का क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि कलर हो गया, शेप हो गया, या फिर नंबर हो गया, इन सब चीजों को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने। बट द मेन ड्रॉबैक, द प्लांट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। वो प्लांट जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन, इट वॉज फाउंड दैट they were widely separate groups and quite different group were closely related। बहुत सारे ऐसे plants and animal that जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा close relation रखते हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा उनके characters internally similar है, but morphologically वो अलग अलग हैं, तो उन्हें अलग अलग group में रख दिया गया था। और similarly ऐसे ही कुछ modifications की वजह से अगर कुछ plants same category में हमें दिख रहे हैं physiologically, तो हमने उन्हें same category में रखा, लेकिन real में वो क्या थे, कम्प्लीटली अलग थे। इंटरनली उनका जेनेटिक कैरेक्टर या अदर चीजें जो है कि बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। देन सेकंड वाज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम वाज ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर। इसे किसने प्रपोज किया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने प्रपोज किया था। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स के एक दूसरे से रिलेशनशिप के बेस पे था। ये केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ही नहीं बट इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंक्लूड करता था। यहाँ पर केवल मॉर्फोलॉजी नहीं बल्कि हिस्टोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस दी गई, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, मतलब उस प्लांट की एनाटॉमी को भी स्टडी किया, उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी स्टडी किया, इसके बाद उसकी फाइटोकेमिस्ट्री की प्लांट के अंदर किस टाइप की केमिकल्स, सर्टेन टाइप ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स कौन से प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई, उन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करते हुए हमने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने, दैट वॉज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां भी जो है कि डिफरेंट प्लांट्स और अदर चीजों को एक सर्टेन कैटेगरीज के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया, हमने क्या किया, कैटेगराइज किया। ठीक है, देन थर्ड था हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा सबसे ज्यादा एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन उस टाइम का था, जिसमें कि हम उनके जेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते थे। किसको, उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स को और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते थे। इसे ई हचिनसन यानी कि एंगलर, हचिनसन और ताख्ताजान
और कॉन्क्विस्ट ने जो है कि इसे दिया था। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क किया, जिससे कि इसका जो है अलग अलग हमारा इम्पोर्टेंस आया। ठीक है, बेंथम एंड हुकर स्टडी लेवल में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। स्टडी लेवल में क्या किया जाता है, बेंथम एंड हुकर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। रिसर्च एक्टिविटीज में फाइलोजेनिक और फेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था ये रियल में ऐसा एज्यूम किया जाता है, ये माना भी जाता है कि ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केमिकल स्टडीज की गई थी, बट यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने उसका जो जेनेटिक और इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर था उसे भी स्टडी किया। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज द फेनेटिक। फेनेटिक में कुछ न्यू क्राइटेरिया एड किए गए हैं। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें हम उसके नंबर्स के हिसाब से हम उन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे आपने सुना होगा मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी एक्सेट्रा। देन फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी यानी कि क्लास्टिस्टिक, इस क्लासिफिकेशन में हिस्टोरिकल ऑर्डर्स को इवोल्यूशनरी एरिया में ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्रिप्टोगैमास एंड फेनलोगैमास। क्रिप्टोगैमास आर द टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूसेस एनी फ्लावर। क्रिप्टोगैमास आर द टाइप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूसेस एनी फ्लावर, हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सीड। एंड फेनलोगैमास आर द टाइप ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस फ्लावर एज वेल एज द सीड। ठीक है, देन किंगडम प्लांटी के जो डिविजन है ये है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इसमें से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन तीनों में वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैमस भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैमस भी कहा जाता है। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द फोर कैरेक्टर्स ऑफ ईच डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। सो आपको यहां पर थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, इसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, हर एक के चार बेसिक कैरेक्टर्स आपको मेंशन करने